भाई 116 रुपए का ऑर्डर आ रहा है, कालका जी का है, देखते हैं हाथ आता है कि नहीं आता है। गुड़गांव के लिए जी, ये ना मैंने देखो लोकेशन तो A57 है जो मेन घर है। अच्छा आ गया, अशोक विहार से पिकअप है। अरे लो एक्सेप्ट हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी आप दो दिन से वीडियो में देख रहा हूँ कि मैं पोर्टर की टी शर्ट पहन के काम कर रहा था, तो काफी सारे बंदों के कमेंट आए कि भाई आप टी शर्ट क्यों पहन रहे हो, अब तो टी शर्ट का कोई फायदा भी नहीं है, तो अब क्यों पहन रहे हो, क्यों प्रमोट कर रहे हो, या ऐसे ऐसे कमेंट आए मेरे पास में। भाई मैं बता दूं, मेरे पास में जो कपड़े थे वो विंटर वाले थे, और जो गर्मी वाले कपड़े थे समर वाले, वो मैं लास्ट ईयर मतलब कि पूरे एक्सपायर ही हो गए थे एक तरीके से, तो मैंने उनको फेंक दिया था एक तरीके से। और आज है 1 अप्रैल, तो काफ़ी बंदों का टाइमर लगा होगा, काफ़ी बंदों का हटा होगा, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। मेरा भी नहीं पता, हो सकता मेरा भी टाइमर लग गया हो, मुझे कुछ नहीं पता। स्कोर मेरा 90% है, बट लॉगिन मैंने नहीं दिया पूरे मंथ में इतना जितना कंपनी ने मांगा था। बाकी देखेंगे कि कंपनी लॉगिन पे हटाती है टाइमर या स्कोर पर हटाती है, इन दोनों चीज़ों के बारे में आज ही पता चल जाएगा। तो फटाफट चलते हैं फील्ड में और देखते हैं भाई ऑर्डर कितनी देर में आता है। भाई अभी निकल रहा हूँ घर से, टाइम देखो तुम 10:32 और मीटर की रीडिंग है 9497। और अभी तुम्हें एक मैजिक दिखाता हूँ, देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो हाथ मेरे यहाँ है, और ये देखो सिर्फ चाबी ऑन करने पे बाइक स्टार्ट हो रही है मेरी। बॉय बंद, ठीक है, ये शायद ख़राब हो गया है, इस पर कुछ लग गई है, तो कुछ नहीं ज़रूरत कर रही, बस सिर्फ चाबी ऑन करने की ज़रूरत है, बाइक स्टार्ट। भाई ये मेरे को अच्छा भी लग रहा है, बट यार ये क्या नुकसान दे सकता है इसका नहीं पता, पर मैं करा लूँगा फिलहाल। आज इसे मैं ऐसे ही चलाऊँगा कुछ नहीं करके, मतलब मज़ा आ रहा है, मतलब कि बाइक बंद ही नहीं होगी मेरी, भाई कितनी स्लो स्पीड पर कर लूँगा, ऑटोमेटिक सेल्फ लग रहा है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत यार। वही देखिए क्या हो रहा है, देख बंद, ये शायद ये गड़बड़ लग रहा है, कुछ हो गया इसका, देखिए पेचकस से अगर खो जाए तो, आज जल्दी कर दे अगर पेचकस से हो जाए तो, ये अभी ठीक करके देता हूँ अभी ठीक करके देता मैं सुबह देखा मैंने ये क्या हो गया, गियर में उठा ली बाइक चलने लगी, मैंने कहा यार ये क्या सीन हो गया। अच्छा इधर से हो रहा है क्या, हो गई चाबी ऑन, तो वही तो सिस्टम, से धूल वूल आ गई क्या उसमें, धूल वूल आ गई क्या उसमें, चाबी ऑन नहीं है, बंद करके ऑन ऑफ करो, देखो रही फिर ऐसे फिर हो रही है, ये तो नहीं लग रहा मेरे को कभी, ये इसका स्प्रिंग दबा रह गया हो यार, ये भी काम नहीं कर रहा है, गजब बेइज्जती है। मैं ये तो सही है, वही लग रहा है मेरे को कि उसका स्प्रिंग दबा रह गया शायद किसी वजह से, वो इसलिए बैक नहीं हो रहा है। भाई सेल्फ करा लिया है, अब नहीं हो रहा, देखो अब ये डला है पूरा इसका, ये देखो दिख रहा है, अब नहीं हो रहा यार, ये ख़राब हो गया था, ये लगा 120 रुपए का, 145 एम आर पी था, 120 रुपए का लिखा है, अभी से देता हूँ मुन्ना, कितने तू दे दो यार, 30 नहीं लेगा, 30 नहीं लेगा, नहीं भाई ले दे, अबे ले निकालना है यार, मैं क्यों निकालूं यार, मैं पर्स में हाथ डालता हूँ पर्स में है ही नहीं कुछ, पर्स ही तेरा है चल ठीक ए ले भाई साहब, भाई सही बताओ ना, ये बंदा बहुत ही एकदम सही है यार, कि पैसे बिल्कुल जायज ही लेता, मतलब कि अभी कोई कहीं बाहर से कराने लग जाओ छोटी मोटी चीज़ के लिए भी 100 रुपये 30 रुपये में मैं देता ना, रख लेता प्यार से, कुछ नहीं बोलता, मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं यार 50 ही दे दो, कहीं और बाहर से कराते फिर 100 रुपये भी तो देने पड़ते हैं, जब मजबूरी में फटी होती है ना फिर तो सब कुछ मुंह बोली कीमत देनी पड़ती है, अभी यहाँ है कि भाई जाते हुए देख लिया तो करा लिया। भाई यार सेट यार 10 सेकंड का टाइमर लगा दिया भाई इन्होंने, अबे यार ये क्या कर दिया इन्होंने, फिलहाल इसे पकड़ो ऑर्डर को, लेके कोई नहीं जाएगा क्योंकि सबका ही लग गया टाइमर यार, कंपनी ने तो 1 अप्रैल फुल बना दिया यार, कि सबका जो टाइमर लग गया
अबे यार अब तो यार और काम वाम कुछ नहीं होगा यार। चलो पिकअप करने चलते हैं। फिलहाल 162-163 रुपये का ये ऑर्डर है और लेके चलते हैं हनी मनी टॉप। लो भाई पिकअप करने जा ही रहा था, ऑर्डर भी कैंसिल हो गया। अब दो ये 1 अप्रैल फुल तो नहीं बना दिया इन्होंने। देखो इस पे लिखा हुआ ड्राइवर रिलेटेड इशू। भाई ये देखो मैंने इसमें चैट में डाला कि भाई किस वजह से कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पर रीज़न बता दिया इन्होंने कि भाई ड्राइवर के रिलेटेड पे कैंसिल किया गया है। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, कारण गलत है या चैट ख़त्म करें। तो मैं इस पर एक बार क्लिक करके देख देता हूँ, कारण गलत है। तो भाई हो सकता है पोर्टर वाले इसे अपडेट कर दे कि भाई ये गलत रीज़न पर कैंसिल हुआ है, पर करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं पता, बट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। बातचीत शुरू करें उसके बाद में आपको बोलना है। और उधर रद्दीकरण स्त्री में हिंदी में कर रखा है स्थिति, और फिर ये पूछता है कि भाई ये आपके रीज़न पे कैंसिल हुआ है, तो इस पर सीधे कर दो कारण गलत है और सबमिट कर दो, ख़त्म कहानी। भाई 2.5 घंटे बाद में ऑर्डर आया मेरे पास। ये देखो अभी दिखाता हूँ तो मैं, आ जाए हाथ वो बड़ी बात है। ये भी कोई ले गया भाई लास्ट के 10 सेकंड में, क्या होगा भाई। अभी दिखा दूँ मैं तुम्हें लॉगिन। 2 घंटे 26 मिनट हो गए, 0 रुपये की अर्निंग हो गई भाई। भाई 116 रुपये का ऑर्डर आ रहा है, कालका जी का है, देखते हैं हाथ आता है कि नहीं आता है। उंगली मारो यार। हेलो भाई ये ऑर्डर आया मेरे पास में, पास से पिकअप है इसी गली से, पर देख रहे हो यार 3 घंटे हो गए। देखो मैं रनिंग में दिखाता हूँ आपको, 3 घंटे में जाके यार पहला ऑर्डर मेरे हाथ पे चढ़ा है। तुम खुद ही सोच सकते हो यार क्या ही सीन होने वाला है आज का। भाई बहुत दिल से बहुत बुरा लग रहा है सही में। ये पहुँच गया भाई देखो पिकअप लोकेशन पे भी, इतनी पास में बैठा हुआ था मैं देखो। हाँ कैमरा कहाँ से लिया है? कैमरा शॉप से लिया है। कितने का? 45,000 का। इसकी पेमेंट कौन कराएगा? वही जहाँ जा रहा है। बेनिफिट है उसमें? अब वीडियो बनाते हैं बेनिफिट देखना है क्या, काम देख रहे हैं हम अपना। क्वालिटी की वजह से ले रखा, नहीं तो 5-6 हज़ार के भी कैमरे आ जाते हैं। भाई ये देखो 7.2 किलोमीटर दिखा रहा है और 24 मिनट लगेंगे। 16.6 किलोमीटर है और 28 मिनट लगेंगे। कोई सी से भी चलते हैं और फटाफट करते हैं इसको कंप्लीट। भाई पहुंच चुका हूं अपनी डिलीवरी लोकेशन पर। ये यहां पर लिखा हुआ था दयाल ऑप्टिकल करके कुछ था। अच्छा वो रहा मिल गया भाई, ये रहा दयाल ऑप्टिकल। पोटर से है भैया, बता रहे राइडर 116। भाई 116 रुपये अपन को मिल चुके हैं, तो ट्रिप को करते हैं कंप्लीट। बस अब मुझे ये और देखना है क्या आईडी रनिंग में चल रही है, कि जैसे ऑर्डर रिवर करते थे उसके 5 मिनट के अंदर या तुरंत ऑर्डर आता था। बस वो चीज़ और चेक करनी है कि मेरे को, कि भाई उस पर भी तो फ़र्क नहीं पड़ा। टाइमर तो लगा दिया, चलो कोई बात नहीं झेल लूँगा मैं, बट अगर भाई तुम तुरंत ऑर्डर या जल्द ऑर्डर नहीं दोगे तो फिर तो यार मुसीबत हो जाएगी, मेरे लिए काम नहीं हो पाएगा। फिलहाल मुझे यही देखना है। अभी टाइम हो रहा है 1:28, तो देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर के अंदर मेरे पास में आता है। जल्दी आ जाएगा तो भाई ठीक रहेगा, और नहीं आएगा तो फिर भाई एंड में ही पता चलेगा। इसके बारे में तो अभी जज नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता इसके बारे में, पूरा दिन देने के बाद में ही बताऊंगा इसके बारे में। देखो अबे यार दूसरे ऑर्डर में तो टाइमर ही शो नहीं कर रहा था यार। अबे शिट यार ये क्या कर दिया मैंने गलती यार, मुझे लगा टाइमर लगा हुआ है, मैं वेट कर रहा था ऑर्डर का। अबे तेरी ये क्या हो गया भाई, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, मुझे लगा टाइमर ही आ रहा है। अबे शिट यार बहुत बड़ा धोखा हो गया भाई मेरे साथ में, टाइमर नहीं आ रहा था यार ऑर्डर पे, मैं तो वेट कर रहा, मैंने कहा यार कि अभी तो 10 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। भाई आर के पुरम का ऑर्डर आ रहा है, अभी देखना टाइमर आ रहा है कि नहीं। ये देखो टाइमर, अरे तेरी ये भी कोई ले गया यार। कैसा लगा मेरा मजाक? टाइमर भी नहीं आ रहा था, 134 का ऑर्डर कोई और ले गया। ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई। ये देखो तुरंत ऑर्डर आ गया मेरे पास में, 407 रुपये का, लेके जाना भाई साहब मुझे गुड़गांव सेक्टर 49। भाई टाइमर नहीं था इसलिए मैंने ले लिया, नहीं तो मेरे तो सारे प्लान कैंसिल हो गए थे कि कहीं भी आउट एरिया में नहीं जाऊंगा। ये टाइमर लगने के बाद में बंदा जाना ही बेकार है, कहीं नहीं जा। भाई पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पर, कपड़े की दुकान बताया।
गुड़गांव के लिए जी। ये ना मैंने देखो लोकेशन तो A57 है जो मेन घर है, अच्छा सेंट जेवियर स्कूल से आप आगे जाएंगे ना तो सोसाइटी आती रोज रोड की, तो उसके गेट से आप अंदर जाएंगे दूसरा घर है और अंदर का एड्रेस क्या है? अच्छा वो डाला है चिखो, A57 सेंट जेवियर स्कूल से डाला हुआ है A57। कोई नहीं बोल, ये जाएगा। हाँ पेमेंट वही कराएंगे? हाँ हैंग करोगे? हाँ ये बैग में रखूंगा इसको तो, हाँ पूरा हैंग तो हैंग तो हो जाएगा। ठीक है ओके मैम। भाई पार्सल उसी बार पिकअप, एक बार डिस्टेंस आपको दिखा देता हूँ इसका, इतना डिस्टेंस दिखा रहा है। रुको पहले से बाइक पर रखो, ए ले इधर रखो भाई। 39 किलोमीटर है यार, थोड़ा सा और कम हो जाए रूट। हाँ कम हो जाएगा देखो, अभी मिलेगा। मैं एमजी रोड से निकल जाऊंगा, ये दिखा रहा है मेन रोड से, एमजी रोड से दिखाता हूँ। ए ओ नहीं नहीं 41 नहीं, ये वाला रूट दिखाना, 33 किलोमीटर है, देख रहे हो? ये मिल गया भाई, इसी से चलना है और फटाफट करते हैं भाई इस ऑर्डर को कंप्लीट। भाई लोकेशन पे तो पहुंच गए हूँ, तो फटाफट इस ऑर्डर को करते हैं डिलीवर। भाई देखो कितनी मस्त सोसाइटी है गुड़गांव की, रोजवुड सिटी गुड़गांव 49 सेक्टर। तो फटाफट इसको करते हैं कंप्लीट भाई। तो भाई ऑर्डर अपना हो चुका है डिलीवर, ये करा 5 स्टार रेटिंग के साथ में कंप्लीट, क्योंकि भाई मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि गुड़गांव से कोई ऑर्डर आने वाला होगा तो जल्दी से फटाफट आ जाए। बाकी पेमेंट हमें मिल गई है, बाकी यहाँ छाया है शांति है। अभी अग्नि दिखाता हूँ मैं आपको तुम्हें चे, ये देखो भाई 5 घंटे में 419 रुपये का काम हुआ है, जिसमें आपको पता है ये शुरू के 3 घंटे बिल्कुल बेकार गए हैं। पहला ऑर्डर 1:06 पे आया था और अभी बज रहे हैं 3:03, तो लगभग 2 घंटे के अंदर 419 रुपये काम हुआ हमारा, बाकी तो शुरू के 3 घंटे बर्बाद ही गए हैं। भाई देखो जिस सिटी के अंदर ऑर्डर मैंने दिया है रोजवुड सिटी के, उसी सिटी से पिकअप बज गया है मेरे पास में ये भाई, तो चलो पिकअप करने चलते हैं। भाई ये पहुंच गए मस्त मस्त कोठी, एकदम मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया यार, ये देखो हाय हाय ये देखो भाई। चलो मैं साइड में खड़ी करता हूँ अपनी बाइक, लेके आता हूँ अंदर से ऑर्डर। भाई ऑर्डर तो हो चुका है पिकअप, ये लंच लेके जाना है, लंच ही लग रहा है मेरे को तो। बाकी अभी इसका डिस्टेंस एक बार दिखा देता हूँ, कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, 168 रुपये का ये ऑर्डर है और इसका डिस्टेंस 12 ही किलोमीटर है भाई। 12 क्या होता है, 12 ही है और 38 मिनट लगेंगे भाई जाने में। तो चलो फटाफट चलते हैं और करते हैं इसको डिलीवर भाई साहब। ये लंच को मैं बैग बैग में रख लेता हूँ, आगे टांगूंगा तो शायद, चलो जैसे भी है कर लेता हूँ एडजस्ट इनको। 168 लेके आना, 23.9K सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब कर दिया, किस नाम से है? बेल बटन भी दबा दिया देखो, कितने सब्सक्राइब भाई। भाई कंप्लीट हो गया ये ऑर्डर 5 स्टार रेटिंग के साथ में, कर दिया मैंने इसको डन। और यहाँ से तो चांसेस हैं ऑर्डर भेजने के, मैं सोच रहा था कि इधर से नहीं बजेगा, ये पहले भी रेटिंग पहले मांग ले, दे देंगे भाई तुम्हें 5 स्टार रेटिंग एक बात में। फिलहाल अभी हमारी अर्निंग हो गई भाई 553 रुपये की, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा धूप में, 553। 6 घंटे हो गए, शुरू के 3 घंटे बर्बाद दिए, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ शुरू के 3 घंटे। ये मेरे से बैक हुआ है अपना भी हुआ है, आ गया अशोक बिहार से पिकअप है। अरे लो एक्सेप्ट हो गया भाई, कितनी दूर से पिकअप है, ओ पिकअप भी पास ही है भाई, ओ 600 मीटर से पिकअप है, बल्ले बल्ले। चलो चलो भाई पहुंच तो गया हूँ कृष्ण एंटरप्राइजेस पे। भैया कस्टमर का नंबर उसी पे डाला है, अगर पेमेंट वही करेंगे? हाँ पेमेंट वही करेंगे। ठीक है भैया ओके, नहीं पेमेंट हम करेंगे, हम मेरे को फोन करना, वही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है मैं फोन डिलीवर करके फोन करता हूँ आपको। हाँ भैया ये लेके जाना, इतना हल्का सा बॉक्स है, बिल्कुल हल्का सा, तो चलो फटाफट ले। अरे स्टार्ट तो कर दो, बता तो दो पूरी चीज़ें आपको। ये भाई पार्सल तो हो चुका है अपना पिकअप और अब इसका डिस्टेंस देख लेते हैं। अब यार इतनी देर से माइक ही कनेक्ट नहीं था, मैंने देखा नहीं, अभी ध्यान गया मेरा गोप्रो की साइड पे, तो मैं देखा यार माइक ही कनेक्ट नहीं है, पता नहीं कितनी सारी क्लिपें ख़राब हो गई होंगी, और शायद मुझे फिर अगर ऐसा मुझे ज़्यादा ही ख़राब लगेगी तो फिर क्लिप को रिमूव कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं। तो चलो भाई इसे कंप्लीट करते हैं, 32 मिनट लगेंगे जाने में, ये कहाँ फंसा दिया मुझे। चलो भाई करते हैं इसको कंप्लीट ऑर्डर को। भाई लोकेशन गलत थी, यहाँ पर पहुँचा हूँ अभी, मुझे लगता है यहीं पे देना, शायद शिफ्टिंग विफ्टिंग हो रही है।
हाँ भाई, ऑर्डर तो मैंने दे दिया है, कस्टमर बोल रहे मैंने ऐप पे ही पे कर दिया पेमेंट, तो एक बार कंप्लीट करके देख लेता हूँ यार। और कम से कम 15 मिनट मेरी चली गई लोकेशन इधर उधर, 100-500 मीटर। देखो हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गया, यहाँ पे रिसीव हो गई है पेमेंट। चलो मेरी आईडी तो सस्पेंड नहीं होगी क्योंकि मेरा माइनस में बहुत ज़्यादा अमाउंट चला गया था, 200 होते ही मेरी आईडी बंद हो जाती। चलो अब इसमें एडजस्ट हो गया कम से कम, अब 76 बचा है मेरे माइनस में, 650 रुपये की अर्निंग हो गई है। 7 घंटे हो गए भाई पूरे, देखो टोटल 4 ऑर्डर लगे हैं शुरू के 3 घंटे पर बाद, बार बार कहेंगे 4 घंटे में एक तरीके से 650 का काम हुआ है, शुरू के 3 घंटे तो बेकार ही गए। और अभी 5 बज गए यार, थोड़ी बहुत देर ही वेट करूँगा मैं यहाँ पर, अगर कुछ नहीं बजेगा तो फिर यहाँ से मैं आईडी बंद करके सीधा निकल जाऊँगा भाई। अरे पैर फंस गया, सीधा निकल जाऊँगा भाई मैं अपने घर। भाई 7 घंटे का पूरा लॉगिन टाइम मैंने दे दिया है कंपनी को, जैसे कंपनी मांगती है कि भाई आज, जैसे क्योंकि टाइमर लगा था बहुत ज़्यादा, दिल घबरा गया था, मैंने कहा काम नहीं होगा, बट आज का मैंने पूरा 7 घंटे लॉगिन दे दिया है, कोई भी ऑर्डर मिस नहीं करा है अभी तक, जो ऑर्डर आया मैंने कंप्लीट किया है और ऑर्डर अपने 4 लगे हैं। ऑर्डर कितने भी लगो उससे कोई मतलब नहीं है, बस मिस और कैंसिल नहीं करना है। कंपनी बोल रही है कि मिस और कैंसिल मत करो, बाकी आप कितने करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 7 घंटे का लॉगिन दो। तो भाई आज की कंडीशन तो मैंने कंपनी के हिसाब से कर दी पूरी, और अब मैं घर 24 किलोमीटर घर खाली निकल रहा हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है 5:15 और मुझे लगभग 6:30 बजे तक घर पहुँचना है, तो इसलिए मैं भाई निकल रहा हूँ। अभी मैंने ओला उबर भी खोल रखा है, अगर रास्ते की कोई राइड मिल गई तो कर दूँगा कंप्लीट, अदरवाइज़ लेफ्ट राइट की भी राइड आएगी थोड़ी बहुत भी तो भी नहीं लूँगा, ओनली साकेत की कोई राइड आएगी तो ही पकड़ूँगा, नहीं तो नहीं पकड़ूँगा, सीधा निकलता हूँ घर। तो भाई घर आ चुका हूँ मैं, और अब आपको देनी है काम की अपडेट जिसके लिए आपको बेसब्री से इंतजार था। आपको ये जानना था कि भाई टाइमर कैसे हटेगा, बहुत सारों के डाउट थे, मेरा भी अभी तक क्लियर नहीं था, और मैं जब तक बताता नहीं हूँ जब तक मुझे पूरी बातें पता नहीं चल पाती कि हाँ भाई क्या सच है क्या झूठ है, अधूरी बातें बताना सही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने सुना होगा के कंपनी ने या कुछ ने बोला था कि भाई 140 घंटे देने हैं, कंपनी ने भी शायद वीडियो कोई भेजी थी कि आपको मंथ के अंदर 140 घंटे लॉगिन देना है और भाई साहब 90% या 85% आपको स्कोर रखना है तभी आपका टाइमर हटेगा। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, मैंने इस मार्च के मंथ में सिर्फ 80 घंटे लॉगिन रहा हूं, 80 घंटे लॉगिन रहा हूं और कंपनी बोल रही थी कि हमें 140 घंटे चाहिए, ठीक है भाई, और मेरा स्कोर है 90%, तो मतलब स्कोर मेरा ठीक है पर लॉगिन मेरा नहीं है। तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर पर टाइमर आया बट कंप्लीट करने के बाद टाइमर हट गया। कुछ बंदों ने टाइम पूरा दिया है, मतलब 140 घंटे से भी ज्यादा पूरे मंथ में दिए बट उनका स्कोर कम है, 60 के समथिंग है, ये सोच लो 60 है 65 है, उनका भी फर्स्ट ऑर्डर पर टाइमर आया, उनका भी हट गया। तो बॉस मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंपनी ये देख रही है कि बंदा दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को भी पूरा करता है तो उसका टाइमर नहीं लगेगा, अगर दोनों ही कंडीशन मांगेगी तो भाई साहब कोई बंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पर ऑर्डर मिस करने ही होते हैं, जहां पर परसेंटेज गिर जाती है। और बहुत से बंदे ऐसे हैं जो भाई पार्ट टाइम में काम करने आते हैं या भाई किसी वजह से इतना लॉगिन नहीं दे पाते हैं, 5-5 घंटे ही लॉगिन रह पाते हैं बट उनका स्कोर हाई है तो उनका भी टाइमर नहीं आ रहा है। तो ये चीज मैं कंफ्यूज था कि मुझे दोनों कंडीशन देनी है या भाई मुझे, मैं तो दे नहीं पाऊंगा पूरे मंथ में इतना ज्यादा टाइम, अगर मेरा टाइमर लगेगा तो मैं कैसे करूंगा। तो बॉस जिन बंदों का टाइमर लगा है उनको टाइमर कैसे हटाना है अगले मंथ से, इस महीने अगर लग रहा है किसी बंदे पे, अगले मंथ से अगर आपको टाइमर हटाना है तो आप या तो ज्यादा से ज्यादा लॉगिन, आप लॉगिन भी अगर नहीं दे पा रहे हो तो भाई जितने ऑर्डर आपके पास में आ रहे हैं तो बॉस आपको वो ऑर्डर कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी आपका अगर स्कोर बढ़ गया तो टाइमर हट जाएगा, लॉगिन टाइम दे दिया आपने तो टाइमर हट जाएगा। दोनों में से अगर एक भी हो गई फिलहाल इस मंथ में, ऐसा अगले महीने का पता नहीं कि हाँ बदल दे भाई, कंपनी है कुछ भी बदल सकती है, फिलहाल इस मंथ के हिसाब से जैसा मैंने मार्च में काम किया मैं उस हिसाब से बता रहा हूं कि दोनों में से किसी एक भी कंडीशन पर बंदा खरा उतरता है तो उसका टाइमर नहीं आएगा। बाकी भाई अर्निंग की बात करें तो आज शुरू के 3 घंटे तो बर्बाद ही हो गए क्योंकि टाइमर लगा था तो आया ही नहीं ऑर्डर मेरे पास में, और उसके बाद में भाई साहब गुड़गांव से 24 किलोमीटर खाली आया तो अर्निंग तो लगभग 650 की हुई, बाइक टोटल 90 किलोमीटर चली,
तो 150 का पेट्रोल लगा लो या ज्यादा का, तुम अपनी मर्जी से जितने का लगाना हो लगा लो अपनी माइलेज के हिसाब से। तो 500 रुपए बचे मेरे हिसाब से, बाकी आप 450 रुपए बचाओ तो कोई दिक्कत नहीं, 400 बचाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखना यही था कि भाई टाइमर किसका हटा है, किसका नहीं हटा है, किसका लगेगा किसका नहीं लगेगा, ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। 140 घंटे देने की जरूरत नहीं है अगर आपका स्कोर अच्छा है, या आप टाइम ज्यादा दे दिया आपका स्कोर थोड़ा सा डाउन है नहीं पहुंच पाया 85%, तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपका टाइमर हट सकता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ और नई अर्निंग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।